There are two types of organs. Internal organ, heart, lungs, brain, stomach. External organ. Organ, eyes, legs, hand, ear. External donor. इनसे हमारा पता चल रहा है जैसे अपोजिट वर्ड अंदर की चीजें इन वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट टच दी आप समझ लेते हैं मतलब इंटरनल ऑर्गन अंदर की चीजें जैसे हार्ट लंग्स ब्रेन स्टोमक और एक्सटर्नल आईज हैंड और ईयर इंटरनल वी कैन नॉट सी वी कैन नॉट टच ऑर्गन्स हम इन ऑर्गन्स को नहीं टच कर सकते इंटरनल मतलब एक्सटर्नल ऑर्गन वी कैन टच दीज ऑर्गन्स हम इन ऑर्गन्स को टच कर सकते हैं जैसे आईज नोज लिप्स ईयर्स लेग्स हम इनको टच कर सकते हैं जैसे हार्ट हार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हार्ट क्या करता है पंप्स ब्लड ऐसा मारता रहता है लंग्स हेल्प करती है ब्रीद लेने में ऐसे सांस लेने में और ब्रेन हेल्प थिंग्स डू वर्क हमें तब हम कोई वर्क करते हैं तब वो थिंक करने में हेल्प करता है स्टमक डाइजेस्ट फूड जो हम खाते हैं पेट में वो हमारा डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है किडनीज help us to rid of waste from our body पर सेंस ऑर्गन कितने होते हैं 5 कौन कौन से आईज टू आईज वन नोज एंड ईयर अभी और लिप्स सॉरी टंग एंड और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कौन लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है क्या स्किन तो हाय हो आपको समझ आ गया होगा तो ये बोन्स हार्ड थिंग्स इन आवर बॉडी आर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड Given a shape. We have 200 things bones. अब bones कहा मतलब सुन हमारी bones बहुत hard होते हैं और बहुत strong होते हैं तभी हम भारी भारी चीज़ें पकड़ पाते हैं और हमारी bones होते हैं 206 muscles की बात करें तो muscles हमारी बहुत soft होती हैं smooth soft part we have 600 muscles हमारी जो muscles होती हैं वो 600 होती हैं muscles our skin for bones and the muscles जैसे इसमें लिखा है skin और bone और muscles bone muscles को छुपा के रखिए ताकि आपकी bones और muscles ना दिख पाए अगर आपका यही क्वेश्चन आए तो यही लिखना 206 bones and 600 थैंक यू बाय बाय